एपेटस है, मैं देखो ये तो हो गया तुम्हारा ट्राइपॉड स्टैंड, हो गया चाइना डिश, हो गया है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वायर गॉज, इस पर रखकर हम लोग हीट करते हैं ना, और ये तो है बर्नर। तो आज की जो हमारी रिएक्शन है उसमें क्या होने वाला है, कॉपर मेटल होता है ना, अगर हम उसको हीट करते हैं, हीट मतलब समझते हैं ना, तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल होता है इसके जरिए। चाइना डिश हमारा हीट हो चुका है, इसमें गैरो कॉपर का टब नहीं है ना, यानी कॉपर पाउडर, देखो भाई, तो ये हमारे पास कॉपर पाउडर और चाइना डिश में हम लोग कॉपर को ना, ये कुछ हमारे पास है स्पैचुला से गैरो, इसमें देखो ये हमने इसमें कॉपर इसमें डाल दिया, और देखो ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू बर्न हो रहा है, यानी ग्लास रोड दो है ना, देखो इस ग्लास रोड की ना हेल्प से हम लोग इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं, देखना बिल्कुल शाइनी कॉपर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, देख रहे हैं, ये हमारा हीट होगा कंटिन्यू, और हीट देखो अभी ना बिल्कुल शाइनिंग है इस पर, है ना, देखो ब्लैक हो रहा है किधर, इसमें कोई ना फिर नोटिस करना, देखना हाँ, तो स्मेल तो आती है ना इसमें, यानी देख ले, ये हमारे पास कॉपर कंटिन्यू हीट हो रहा है ना, देख रहे इतना ये हीट हो ना, हम इतना केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं बोर्ड पे ना। तो हमारे पास क्या है इसमें, कॉपर मेटल हो गया, तो कॉपर मेटल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करके क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड, तो हीट हमारे पास हो गया सिंबलाइज, करो इसको बैलेंस, दो लगाओ इधर दो जाओ, तो ये जो हमारे पास कॉपर होता है ना, ये बिल्कुल प्योर होता है शाइनिंग, अब ये हमारा हो जाएगा ब्लैक, यानी कॉपर के ऊपर ऑक्साइड की ब्लैक लेयर बन जाती है, तो ब्लैक कोटिंग ऑक्साइड लेयर, ठीक है ना, तो ये हमारा इसमें देखो रिएक्शन कंटिन्यू होता है। अब देखो सामने रहो, हमें से कुछ देर अभी और हीट करना पड़ेगा, से कंटिन्यू हीट होने दो, ये हीट होगा कंटिन्यू, और हीट होने दो ना, चल बैठ जाओ, क्या हो जाएगा वो बर्न, वो तो जाली होता है ना, वो तो हम वो तो थोड़ा सा और ब्लैक हो गया, दिखाओ इसमें, दिखाओ देखो कितना ब्लैक हो गया आफ्टर 5 मिनट हीटिंग ऑफ कॉपर, कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कोट ना इसके ऊपर कंटिन्यू क्या हो गया, चढ़ गया है, देखो इस प्रकार से।